हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पता करेंगे। आपको लेकर क्या है राइट नाउ, क्या फीलिंग्स हैं, कैसा सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है? तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग भी टाइमलेस है, जब भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप देख सकते हैं। क्या करंट फीलिंग्स हैं राइट नाउ, क्या सोच रहे हैं? मुझे तो प्रॉब्लम दिख रही है कनेक्शन में, आ भी रहा है एक दो दिन से, तो क्या प्रॉब्लम्स है? ये कार्ड अपवर्ड ही है। ओके, ना क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सन कार्ड, चैरियट, ओके, पेज ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। एंड नाइन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ से है। देखो आपके बीच में येस थोड़ा सा, थोड़े से गिले शिकवे हो गए हैं, लाइक आर्ग्यूमेंट्स या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये चीज़ें हुई हैं आपके कनेक्शन में, ठीक है? लेकिन एनर्जी आपके पर्सन की बहुत अच्छी है। आज बहुत टाइम बाद मैं इन कार्ड्स को भी यूज़ करने वाली हूँ, तो और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी बहुत टाइम बाद। यहां से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। और देखते हैं क्या आता है, यहां से क्या एनर्जी आएगी, क्या फीलिंग्स हैं। वेट अ सेकंड। ओके, डिसिप्लिन, एक कार्ड और लेंगे, ब्लेम, ब्लेम एंड फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम का भी कार्ड है, तो ये कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की। डिसिप्लिन, वैसे ये अपनी लाइफ में एक प्रॉपर डिसिप्लिन लेकर आना चाहते हैं ताकि ये चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकें, ठीक है? डिसिप्लिन और फ्रीडम चाहिए इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में। अब देखो, फ्रीडम की वजह से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं या फिर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनाया इस पर्सन ने, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर गाइस आप लोगों के लिए, आपके पर्सन ये फ्रीडम चाहते हैं ताकि वो अपनी खुद की लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ सकें। जब तक इनकी खुद की लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आएगी, तब तक ये आपको भी हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो इनकी लाइफ में होगा ये वही आपको दे पाएंगे। समझने की कोशिश करो, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। जो जिसके पास होता है वो वही तो देगा। अब किसी के पास हैप्पीनेस है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा? तो ये चाहते हैं कि ये क्रिएट करें अपनी खुद की हैप्पीनेस, ठीक है? पावर लेकर आएँ अपनी लाइफ में, विजडम लेकर आएँ, सो दैट ये आपको एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएंगे और कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आपको कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे और ना ही खुद को ब्लेम करेंगे, ठीक है? इसीलिए इसको अपनी ज़िंदगी में चाहिए डिसिप्लिन। तो इसी को ही मेंटेन रखने के लिए या फिर बनाने के लिए ये पर्सन एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो ये तो इसकी कुछ करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन हो गई आपके पार्टनर की। लेकिन गाइज, इसको, इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही इमोशनल कनेक्शन बन चुका है आप दोनों के बीच में, ठीक है? आप दोनों का ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन ही है, आपका इमोशनल कनेक्शन भी है एक दूसरे के साथ। बहुत ज़्यादा जो बॉन्ड है ना, वो स्ट्रांग हो चुका है। ये पर्सन चाहते हैं रिकन्सिलिएशन करना, आपकी लाइफ में वापस आना, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से ये आ नहीं पा रहे हैं आपके पास, ठीक है? या फिर एक्शन लेते हैं बट पीछे हो जाते हैं क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं। जब तक ये ब्लॉकेजेस नहीं हटेंगे, तब तक इनको डिवाइन अलाउ नहीं करेंगी कि ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ और आपसे बात करें। हालाँकि इसका मन बहुत ज़्यादा है कि ये आपकी ज़िंदगी में आ जाए। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हो सकते हो। इसका मन बहुत ज़्यादा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। यहाँ पे कैंसर और लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके? तो यस, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में अगर आते हैं
तो देखो इनको भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, सिक्योरिटी फील होती है, ठीक है, एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपसे, तो इस तरीके से फील करते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा पोलाइट भी बना पाते हैं जब भी आपके कांटेक्ट में आते हैं। तो इसका बहुत मन है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आपसे बात करे, कुछ ना कुछ बातें आपको बताए, कुछ ना कुछ बातें आपकी सुने। लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन ये ब्लॉकेजेस मुझे बहुत मेजर नहीं दिख रहे हैं, जो ख़त्म होने में बहुत टाइम लगाएंगे ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे। ये जो सेपरेशन है आप दोनों के कनेक्शन में अभी, ये बहुत ही टेम्परेरी है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों फिर से जैसे पहले बात करते थे वैसे ही बात करेंगे। क्योंकि देखो एफर्ट्स आपके पार्टनर भी लगा रहे हैं अपनी हीलिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए, लगा आप भी रहे हैं, तो इसी वजह से जल्दी आपकी हीलिंग हो जाएगी। और जो फ्रीडम और जो सिक्योरिटी जो जो लानी है इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, ये वो भी ले आएंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, लेकिन यस देखो कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है आपका, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तभी तो आने की सोच रहे हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। बट कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, नो ऑप्शन। और वैसे भी ये टेम्परेरी है और जल्दी सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर से आप दोनों बात करोगे, डोंट वरी, ज़्यादा पैनिक मत हुआ करो, बस सिचुएशन को देख कर घबराया करो मत, रोया करो मत ज़्यादा, ठीक है, समझने की कोशिश करा करो सामने वाले को, यूनिवर्स आपको गाइड करते रहेंगे सिचुएशन में, आपको कैसे रिएक्ट करना है या क्या मैनिफेस्ट करना है। आप हर एक इंसान को माफ़ करते हुए चलो, तो आपके पर्सन आपको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट, मतलब पोलाइटली बात करेंगे जब भी आएंगे, क्योंकि आपको भी अपने अंदर से हेट हटाने की ज़रूरत है, ठीक है, हेट हटाइए, सबको माफ़ कर दें, सेल्फ वर्थ अचीव करने की कोशिश करें इस सेपरेशन फेज में, इस आइसोलेटेड फेज में। और विजडम आपके पास देखो आ रहा है, मुझे आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट दिख रहा है, आपके अंदर परफेक्शन आ रहा है इस सेपरेशन फेज में ना, आप खुद भी देख रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा अपनी ग्रोथ पर फोकस कर पा रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ आप इतना फोकस नहीं कर पाते, लेकिन अभी देखो सेल्फ वर्थ पर भी काम हो रहा है, परफेक्शन भी लाइफ में आ रहा है, विजडम आ रहा है लाइफ में, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है और, ठीक है। तो अभी आपको देखो डिवाइन ने मौका दिया है कि आप अपने आप को हील करो, अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाने की कोशिश करो, अपने अंदर परफेक्शन लेकर आओ। सेम चीज़ें आपके पर्सन अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रीडम लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप दोनों के पास बहुत बेहतरीन होगा ना एक दूसरे को देने के लिए, तभी आप दे पाओगे, वरना तो फिर आपके हाथ पीछे ही हो जाएंगे ना, जब मेरे पास कुछ अच्छा है ही नहीं तो मैं टेंशन भी क्यों दूँ सामने वाले को। तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो, ठीक है, आपकी सोल तो यही वेट कर रही है, और डिवाइन भी आपको रुकवा रहे हैं, आप दोनों को कांटेक्ट नहीं करवा रहे हैं, दैट इज़ वाई वो चाहते हैं कि चीज़ें जब अलाइंग हो जाएगी अच्छे से, देन वो आपको अलाउ करेंगे कि यस अब आप अब बात कीजिए और मिलिए, अपनी लाइफ साथ में बिताइए, ठीक है। इस तरह से सिचुएशन आ रही है, लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स तो देखो आपके लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए ना आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस भी मिल रहे होंगे, क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, तो टेलीपैथिकली मैसेजेस मिल रहे होंगे आपको, नो डाउट इन इट, यस बिल्कुल मिल रहे हैं आपको, ठीक है, यूनिवर्स भी यस बोल रहे हैं। और यस ये भी है गाइस कि चीज़ें आगे चलकर अच्छी हो जाएगी, आप असर्टिव रहना, ठीक है, असर्टिव रहने की कोशिश करना और थोड़ा वेट करो बस सिचुएशन को ठीक होने का, पॉजिटिव बने रहिए, नो नीड टू वरी एट ऑल, जस्ट आस्क योर एंजल्स, ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में लाने के लिए अपने एंजल से पूछते रहें, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है, बाकी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी है, उनकी करंट फीलिंग्स बहुत अच्छी है। एक दो मैसेजेस देख लेती हूँ मैं आपके लिए, लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, मेक द एफर्ट्स, ये बिल्कुल कह रहे हैं एफर्ट्स लगाएंगे आगे चलकर इस कनेक्शन में, एफर्ट्स तो इनको लगाने ही पड़ेंगे, ये पीछे नहीं हट सकते, गेटिंग टू नो ईच अदर ये कह रहे हैं, हमें डिवाइन मौका देंगे आगे, हम एक दूसरे को और ज़्यादा जानेंगे, अभी की सिचुएशन पर ट्रस्ट करो, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बस ये जो सिचुएशन है ये हमें कह रही है कि हमें फेथ रखने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं आपके पार्टनर। एंड सेपरेशन, इस सेपरेशन में ट्रस्ट और फेथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, यू डिज़र्व दिस लव, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे का प्यार डिज़र्व करते हैं, आपके पार्टनर कह रहे हैं वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रही है, तो वेट करना हम दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये कुछ मैसेजेस आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से।
सेपरेशन है लेकिन आप वेट करें, आपके पार्टनर खुद कह रहे हैं, और आपका डिवाइन कनेक्शन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रस्ट करें, आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानेंगे फ्यूचर में। अभी वेट करना पड़ सकता है तो करें वेट, लेकिन ट्रस्ट के साथ वेट करें। माइंड में कुछ भी नेगेटिविटी ना लेकर आएं, ठीक है। ये चीज़ें आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।